नमस्कार। हमारे पास आज है गुलाम नबी आजाद की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है आजाद। ये दिल्ली में एक बुक लॉन्च में कल 5 तारीख को रिलीज की जाएगी, लेकिन हमारे पास प्रीव्यू कॉपी आ गई है। और जो लोग सोचते थे कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी पूरी भड़ास उतार दी थी जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे कांग्रेस के बारे में, बहुत बताया था क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, तो सब आपने अगर सोचा था कि उनने जो बोलना था बोल दिया, वेल वो गलत है। उनके पास और भी बहुत कुछ है कहने को, अनफॉर्चुनेटली फॉर द कांग्रेस पीपल। इनफैक्ट बुक का एक टाइटल है जो कांग्रेस के बारे में कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ब्लूपर्स एंड बॉम्बास्ट, मतलब क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं कांग्रेस की। तो वही चैप्टर मैंने पहले खोल के पढ़ा, क्योंकि किताब मुझे कल रात को ही आई थी, तो अभी तक हाल में मैंने वही पढ़ा है। लेकिन वो चैप्टर इंटरेस्टिंग है। वो पहले खुद के अपने बारे में बोलते हैं कि मैंने 5 दशक 5 डेकेड्स कांग्रेस में बिताए हैं, तो मेरे ऊपर इल्जाम जो आता है कि मैं पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था, वो बिल्कुल गलत है। और ये लोग जो इल्जाम मुझे दे रहे हैं, कई लोगों ने कहा था कि देखो आप G23 वालों को कि जिस सीढ़ी पे आप खड़े हो चढ़ रहे थे उसी सीढ़ी को आपने लात मार दी। तो इसे हम उनको वो कहना चाहते हैं कि ये लोग हैं जो कह रहे हैं, वो उन्होंने लैटरल एंट्री करी है, वो नीचे से ऊपर नहीं आया हमारी तरह। और उनको ये मैं कहना चाहता हूं कि हम सीढ़ी को लात नहीं मारे, हम ही वही सीढ़ी हैं, हम ही वही स्टेप्स हैं, क्योंकि हमने ही कांग्रेस को मजबूत बनाया है और कांग्रेस के लिए काम किया है। और अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रिक्स देखें तो नीचे लिखा है कि किसके ऊपर रेफरेंस है, सलमान खुर्शीद पे। खुर्शीद साहब ने ये सीढ़ी वाली एडवाइस दी थी एक एडिटोरियल में। उसके आगे गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि जो कांग्रेस का पुराना रिवाज था कि हर 2 साल में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बदलता जाता है, इलेक्शन होती हैं, वो उनको कांग्रेस को फिर से वापस निभाना चाहिए। कांग्रेस ने निभाना बंद कर दिया, लेकिन बीजेपी ने शुरू कर दिया है। वेल, बीजेपी ने नहीं शुरू किया क्योंकि अभी जेपी नड्डा को फिर से एक्सटेंशन मिल रही है, लेकिन फिर भी उनका अध्यक्ष जरूर बदलता है 2-3 साल के बाद। ये कांग्रेस का तो बिल्कुल नहीं बदलता है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत रिवाज था और फिर से इलेक्शंस को कांग्रेस को फिर से आना चाहिए, क्योंकि इससे हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन होता है। चलो अब कांग्रेस ने वो भी एडवाइस उनकी शायद ले ली है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का इलेक्शन हाल में ही हुआ था। तो ये भी उनका एक कहना है, स्ट्रांग लीडर। उन्होंने इंदिरा गांधी के कामराज प्लान, उन्होंने कहा वीक तब भी हुई थी जब इंदिरा गांधी ने कामराज का प्लान किया था, और उन्होंने कहा मेरे को समझ नहीं आया कामराज प्लान क्यों हुआ था। तो फिर ये कामराज प्लान वो था जब उन्होंने कहा था सब चीफ मिनिस्टर्स और लीडर्स अपना रेजिग्नेशन दे दें, और फिर इंदिरा गांधी को कहा था कि आप फिर से नॉमिनेट करिए अपने लोगों को। तो जो स्ट्रांग रीजनल लीडर्स थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे, जिनकी पकड़ थी पार्टी में, उनको सब इस्तीफा ले लिया और फिर अपने ही थोड़े वीक लीडर्स को डिप्यूट कर दिया। ये लोग करते हैं ताकि सेंटर स्ट्रांग होए और रबर स्टैम्प लोगों से बाकी स्टेट्स का काम किया जाए। साथ साथ बिल्कुल सही कहते हैं, इससे वीक तो हुआ था स्टेट सेंटर, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे असली रीजन नहीं पता था कि क्यों किया गया। तो फिर मैंने एक जो पुराने राष्ट्रपति हैं जिनकी बड़ी अच्छी मेमोरी है, ऑफकोर्स दैट इज प्रणब मुखर्जी, से मैंने राय किया। तो उन्होंने मुझे बोला भाई इसका जो असली रीजन बताया कामराज प्लान का, पर ये सीक्रेट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अरे हमने तो सोचा सीक्रेट यही थी कि इंदिरा गांधी का स्टेट्स पे कब्जा होगा, लेकिन शायद कुछ और सीक्रेट थी, तो ये नहीं बताया आजाद साहब ने। आगे उन्होंने हर स्टेट बाय स्टेट जाके किया कि जहाँ पे, जैसे कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बोला कि उनका इस्तीफा जो दिया गया, कांग्रेस की एमएलए की जो मीटिंग थी वो स्टेट वाली एमएलए मीटिंग नहीं थी, वो सेंटर के डायरेक्शन से एमएलए को बोला गया था कि भाई आजाद अमरिंदर साहब के खिलाफ वोट करिए। तो इसे ये सेंटर जो स्ट्रांग लीडर्स को बिल्कुल वीक बना रही है। यूपी बिहार में उन्होंने कहा पहले, जैसे बिहार जगन्नाथ मिश्रा जैसे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया, वीरभद्र सिंह और भगुनाथ साहब को हटा दिया गया, एनडी तिवारी को वो वीक समझते, उन्होंने कहा एनडी तिवारी को उनको फिर सौंपा गया, वो अच्छा नहीं किया था, उसकी वजह से यूपी वीक भी हुई। अलायंसेस के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को अब आदत हो गई है कि रीजनल अलायंसेस के क्रच के वॉकिंग स्टिक के सहारे के साथ चलें और अपने आप को मजबूत ना करें। वो ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस सोचते हैं कि 77 में कांग्रेस हारी थी और फिर वापस आ गई थी, वो गलती करते हैं। उस समय इंदिरा गांधी थी, स्ट्रांग लीडर थी और बिल्कुल जब हार भी गई थी घर नहीं बैठी थी, हर स्टेट में टूर कर रही थी। अब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो कर तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उस समय कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट में स्ट्रांग थी, अब वो स्थिति नहीं है क्योंकि हर स्टेट में रीजनल पार्टीज आ गई हैं। उस समय सिर्फ तमिलनाडु में एडीएमके डीएमके थी, नहीं तो बाकी स्टेट्स में कांग्रेस थी, वो अभी इतनी मजबूत नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को सोचना कि हम बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी के रोटेशन में वापस आ जाएंगे, ये कांग्रेस गलत सोच रही है। फिर वो बाकी स्टेट्स के बारे में बोलते हैं और दिलचस्प बात है हेमंता बिस्वा सरमा के बारे में बोलते हैं। हेमंता साहब तो बहुत वैसे ही इज़ वेरी दिलचस्प, उनके बारे में ऑलवेज न्यूज़ बनता है उनकी कहानियाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई जब हेमंता ने 2001 में तरुण गोगोई चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने हेमंता जो उनके नंबर 2 थे और सब उनका काम संभालते थे, बोला था कि अगले चुनाव जब कांग्रेस जीतेगी तो आप सीएम बनेंगे, उनको उनको वादा किया था। 2006 में कांग्रेस जीती लेकिन गोगोई साहब फिर सीएम बने। 2011 में भी जब कांग्रेस जीती तब भी गोगोई साहब सीएम बने और उनको नहीं बनाया
हेमंता को। फिर हेमंता ने दिल्ली में आके सोनिया गांधी से कंप्लेन किया। सोनिया ने आजाद साहब को बोला कि आप आसाम जाइए और देखिए क्या परखिए क्या है सिचुएशन ऑन ग्राउंड। तो उन्होंने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा, पहले मैं दिल्ली में लोगों को बुलाऊंगा। उन्होंने हेमंता को बुलाया तो हेमंता 45 MLAs के साथ आए, फिर गोगोई को बोला, गोगोई ने 7 MLAs भेजे। फिर आजाद साहब ने कहा मैं सोनिया गांधी को बोला देखिए ये तो हेमंता के फेवर में है, तो सोनिया गांधी ने कहा आप जाइए स्टेट में और हेमंता को चीफ मिनिस्टर बनाइए। लेकिन बीच में राहुल गांधी आ गए और उन्होंने अपनी टांग अड़ाई और बोला बिल्कुल नहीं, हेमंता को पार्टी छोड़ने तो जाएं लेकिन गोगोई नहीं बदलेंगे। तो ये एक इंस्टेंस था। आजाद साहब कहते हैं कि पार्टी ने स्ट्रांग लीडर को बाहर कर दिया और असेंबली ने हारा, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही समझो हार गए इस मूव के कारण। बाकी स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे उत्तराखंड हो या तेलंगाना हो, तेलंगाना का बनना उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहता था लेकिन किसी ने वॉइस नहीं किया कि हम नहीं चाहते हैं कि तेलंगाना बने, कि वो सोचते थे कि अपने आप ये मूव ऐसे ही शेल्व हो जाएगी, नहीं होगा। जब कोई कांग्रेस लीडर ने एतराज़ नहीं किया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तेलंगाना का ऐलान कर दिया। उसके बाद सब दिल्ली आ गए और खुद चीफ मिनिस्टर बनने की कैंपेन करने लगे। उन्होंने कहा था ये टाइम था कि स्टेट में जाओ और लोगों को समझाओ और इस मूव का क्रेडिट लो, पर ये नहीं किया, चंद्रशेखर राव ने वो किया, इसलिए स्टेट भी तेलंगाना कांग्रेस के हाथ से चला गया। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। यूपी की बात करते हैं, यूपी में कैसे अलायंसेस बने, बिहार, हर स्टेट का इनफैक्ट डिटेल एनालिसिस, क्योंकि गुलाम नबी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी स्टेट के, इंटरेस्टिंग बुक है। और जैसे मैंने कहा जो कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही दिलचस्प है। और एक ये भी वर्ड ऑफ वार्निंग है कांग्रेस लीडर्स को कि गुलाम नबी साहब का अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, तो जो कांग्रेसीज उनकी बुक लॉन्च पे जाएंगे तो जरा सोच समझ के जाइए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी भड़ास अभी और भी बाकी है।